आज की इस सेकंड क्लास में हम आपको पढ़ाएंगे एसपी हाइब्रिडाइजेशन। तैबा एएमओ और बीएमओ बेटा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में बनाते हैं, और यहां पर मेरे बेटा जो हाइब्रिडाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है ये दरअसल वीबीटी की एप्लीकेशन है। वीबीटी में एएमओ और बीएमओ नहीं बनते थे। सिद्रा फर्स्ट ईयर एवन की पॉसिबली ये लास्ट क्लास है, जो टॉपिक रह गए वो फिर एक क्लास में आपको करा देंगे सारे। मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, जल्दी से आप लोग बोर्ड स्क्रीन को देखिए जी। और ये बच्चों मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं एसपी हाइब्रिडाइजेशन। बच्चों इसको डायगोनल हाइब्रिडाइजेशन भी कहते हैं, क्योंकि बच्चों एसपी हाइब्रिडाइजेशन में जो मॉलिक्यूल होता है उसकी शक्ल लीनियर या डायगोनल होती है। क्या होता है बच्चों एसपी हाइब्रिडाइजेशन में? बच्चों एसपी हाइब्रिडाइजेशन में एक एस ऑर्बिटल बेटा ट्राइगोनल या ट्राइगोनल प्लेनर एक ही चीज होती है बेटा। और प्लीज बीच में डिस्टर्ब ना करा करें, जब लेक्चर चल रहा है तो आप लेक्चर को सुने, लेक्चर के एंड पर सवाल करें। जब सवाल करने का टाइम होता है तो आप मुंह में घुंघरू डाल के बैठे हुए होते। ओके नाउ एसपी हाइब्रिडाइजेशन, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन समझिए बच्चों। एसपी हाइब्रिडाइजेशन वो हाइब्रिडाइजेशन होती है जिसमें किसी भी सेंट्रल एटम के वैलेंस शेल में मौजूद एक एस ऑर्बिटल और एक ही पी ऑर्बिटल आपस में ब्लेंड होते हैं, मिक्स होते हैं, और दो नए एसपी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाते हैं, जिनकी शेप एनर्जी सेम होती है, और ये दो एसपी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स लीनियरली अरेंज होते हैं 180 डिग्री के एंगल पर। बच्चों किस तरह से होती है ये हाइब्रिडाइजेशन, ये हम आपको बोर्ड पर बताते हैं। बोर्ड पे बताते हैं, तो आइए बोर्ड पे चलते हैं। एसपी हाइब्रिडाइजेशन, एसपी हाइब्रिडाइजेशन को डायगोनल हाइब्रिडाइजेशन भी कहते हैं। बच्चों एसपी हाइब्रिडाइजेशन में 1:1 की रेशियो में एटॉमिक ऑर्बिटल आपस पे मिक्स होते हैं, एक एस ऑर्बिटल और एक पी ऑर्बिटल आपस पे 1:1 की रेशियो में मिक्स होता है। तो अगर आप से पूछा जाए कि एसपी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में कितने परसेंट एस करेक्टर है, कितने परसेंट पी करेक्टर है, तो इसका जवाब होगा 50-50। बच्चों एसपी हाइब्रिडाइजेशन से जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे उनकी तादाद 2 होगी और उनको हम कहेंगे एसपी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। हर एसपी हाइब्रिड ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन होगा। ये दोनों एसपी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स लीनियर अरेंजमेंट शो करेंगे और इन दोनों ऑर्बिटल्स के दरमियान बॉन्ड एंगल 180 होगा। ये बच्चों डेफिनेशन हो गई। अब इसकी बनाएंगे एनर्जी लेवल डायग्राम, लेकिन उससे पहले आपको एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताएंगे, लेकिन पहले आप ये कॉपी कर लीजिए।
बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट बात सुनिएगा बच्चों, जब किसी एटम में sp हाइब्रिडाइजेशन होती है तो उस एटम के दो ऑर्बिटल एक s और एक p ऑर्बिटल आपस में मिक्स हो जाते हैं। लेकिन बच्चों जब कार्बन में sp हाइब्रिडाइजेशन होती है तो कार्बन में sp हाइब्रिडाइजेशन के बाद दो ऐसे ऑर्बिटल्स होते हैं जो हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा नहीं लेते, उनको कहते हैं अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स। sp हाइब्रिडाइजेशन में दो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स। आइए कार्बन के लिए sp हाइब्रिडाइजेशन इस तरह से होती है, आपको दिखाते हैं। sp हाइब्रिडाइजेशन जब कार्बन में होती है तो एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल आपस में मिक्स होते हैं, लेकिन दो ऑर्बिटल्स 2py और 2pz ये आपस में मिक्स नहीं होते और ये हाइब्रिडाइजेशन के बाद बच जाएंगे। ये दोनों ऑर्बिटल मिक्स हुए तो जितने ऑर्बिटल मिक्स होंगे उतने नए ऑर्बिटल्स बन जाएंगे, क्योंकि एक s और एक p मिक्स हो रहा है तो इसको बोलेंगे sp हाइब्रिड ऑर्बिटल और दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन मौजूद हो। प्लस 2py और 2pz ये एज इट इज बच जाएंगे और हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा नहीं लेंगे, इनको बोलेंगे अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल या अनहाइब्रिड ऑर्बिटल। ये दोनों ऑर्बिटल हाइब्रिड ऑर्बिटल के ऊपर परपेंडिकुलरली मौजूद होते हैं। इज इट क्लियर टू यू? जल्दी से कॉपी कर लीजिए। और अब हम बनाएंगे एनर्जी लेवल डायग्राम, ये मैं मिटाने जा रहा हूं, ओके। और हेडिंग लगेगी एनर्जी लेवल डायग्राम। तो एनर्जी लेवल डायग्राम ये तीसरी दफा मैं बना रहा हूं, पहले मैंने sp3 में बनाई थी। आप देखिएगा ये किस तरह से बनेगी बच्चों। सबसे पहले 11 बनाएंगे जो कि एनर्जी को जाहिर करेगा, और अब हम ग्राउंड स्टेट में कार्बन की ईसी दिखाएंगे। ग्राउंड स्टेट में कार्बन की ईसी है, टू एस टू एंड टू पी एक्स वन टू पी वाई वन, ये बच्चों के ग्राउंड स्टेट में ईसी है। और इस ईसी से हमें कार्बन के पास दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नजर आ रहे हैं, लेकिन कार्बन के पास प्यारे बच्चों सबको पता है कि कार्बन की वैलेंसी चार होती है और वो चार सिर्फ एक ही सूरत में होगी अगर हम एक्साइटेड स्टेट में ये ईसी को कंसीडर करें। 2s से एक इलेक्ट्रॉन प्रमोट हो जाएगा 2pz में और इस तरह हमारे पास टोटल चार ऑर्बिटल्स हो जाएंगे जो हाफ फिल्ड होंगे जो के फोर वैलेंसी को एक्सप्लेन करेंगे। इस तरह एक्साइटेड स्टेट में चार इलेक्ट्रॉनों की मौजूदगी कार्बन की चार वैलेंसी को साबित करेगी। लेकिन बच्चों कार्बन जो है इन ऑर्बिटल को मिक्स करेगा तभी इक्विवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन पॉसिबल होगी। तो बच्चों एक s और एक p ऑर्बिटल आपस में मिक्स होंगे यानी एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन होगी। ये दो ऑर्बिटल मिक्स होंगे 2s और 2px और इनकी मिक्सिंग से दो नए ऑर्बिटल बनेंगे जो कि इक्विवेलेंट होंगे एनर्जी के लिहाज से और शेप के लिहाज से और साइज के लिहाज से। ये दो ऑर्बिटल बन गए sp। लेकिन ये दो ऑर्बिटल्स ने हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा नहीं लिया, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में परपेंडिकुलरली मौजूद होंगे, बाद में बताएंगे। अभी फिलहाल ये ऑर्बिटल्स 2p y और 2pz
ये हम sp ऑर्बिटल के ऊपर दिखाएंगे, यानी इनकी एनर्जी sp ऑर्बिटल से ज्यादा है। तो बच्चों ये है एनर्जी लेवल डायग्राम, ये जरूर बनानी चाहिए। जरूर बनानी चाहिए डायग्राम, इससे पूरा पूरा हाइब्रिडाइजेशन जो है ना वो एक ही डायग्राम में बंद हो जाता है। इस तरह बच्चों अब आप हेडिंग लगाएंगे अकरेंस की, लेकिन जल्दी से इसको पहले कॉपी कर ले। अच्छा मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ बेटा, नो प्रॉब्लम बेटा, तीसरी दफा बता रहा हूँ, मैं दोबारा बता देता हूँ बेटा। बेटा ये कार्बन की ग्राउंड स्टेट में पीसी है बच्चों, 2s में दो इलेक्ट्रॉन है और 2p में दो इलेक्ट्रॉन है। अरे बच्चों यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन 2s से 2p में प्रमोट होगा यानी छलांग लगा देगा, इस समय को एक्साइटेशन कहेंगे। तो एक्साइटेड स्टेट में ईसी बन जाएगी 2s वर्ड, 2px वर्ड, 2py वर्ड, 2pz वर्ड। इस तरह चार हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स हो गए, वो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स हो गए जो कि फोर वैलेंसी को एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ पे दो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स थे जो कि वैलेंसी को एक्सप्लेन नहीं कर रहे थे। ये ग्राउंड स्टेट इसी है, ये एक्साइटेड स्टेट इसी है। अब क्या हुआ कि ये दो ऑर्बिटल आपस में मिक्स हुए 2s और 2px और इन्होंने हाइब्रिडाइजेशन करी, दो हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गए sp, दो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल बन गए py और bz। जी सिद्रा बेटा समझ में आया? ओके बेटा, बेटा हेडिंग लगाओ अकरेंस की, तमाम लोग हेडिंग लगा ले अकरेंस of sp hybridization, occurrence। मुझे डीऑक्साइड होने से पहले ही, क्या बात है, डीऑक्साइड होने से पहले ही बॉन्ड बन चुका होगा, बॉन्ड बन चुका होगा। ये सारा खेल नैनो सेकंड के भी लाखवें हिस्से में हो रहा है, मुझे दिन इतनी तेजी से हो रहा है कि आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। ये क्वांटम लेवल पर एक्साइटेशन हो रही है, क्वांटम लेवल पर, जिसको नोट भी नहीं कर सकते आप, मेजर भी नहीं कर सकते। मुझे दिन साहब किन दुनिया में हैं हम लोग, दुनिया कहां जा रही है और हम लोग कहां बैठे हुए। आज जनाब वक्त की कमी है, बच्चों sp हाइब्रिडाइजेशन कब होती है? sp हाइब्रिडाइजेशन बच्चों तब होती है जब जब किसी भी कंपाउंड का फार्मूला ab2 हो, कोई लोन पेयर ना हो। AB2 के A में sp हाइब्रिडाइजेशन होगी। मिसाल के तौर पर कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन दो एटम से बाइंड है तो कार्बन में sp हाइब्रिडाइजेशन होगी। इसी तरह BeCl2 में Be के अंदर sp हाइब्रिडाइजेशन होगी। इसी तरीके से कोई भी कंपाउंड जो के AB2 फार्मूला ओबे करेगा उसमें sp2 sp हाइब्रिडाइजेशन होगी। सॉरी यार बच्चों, ऑर्गेनिक कंपाउंड के हवाले से अल्काइन्स वो फैमिली है जिसमें कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होता है। जिस कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड होगा, जिस अल्काइन में कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड होगा, उन दोनों कार्बन में sp हाइब्रिडाइजेशन होगी। अल्काइन फैमिली का पहला मेंबर है इथाइन या एसिटाइलीन,
कि दोनों कार्बन में sp हाइब्रिडाइजेशन। बच्चों ये C2H2 AB2 फार्मूला ओबे कर रहा है लेकिन नजर नहीं आ रहा, ये नजर आएगा जब आप इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे। जनाब ये कॉपी कर लीजिए और अब हम आखिरी हेडिंग लगाएंगे, हाइब्रिडाइजेशन का टॉपिक हमारा मुकम्मल हो जाएगा। स्ट्रक्चर पढ़ाएंगे इथाइन का, ये कॉपी कर ले जल्दी से हरिया, और कोई क्वेश्चन अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो फौरन पूछ ले। जी बच्चों तो आगे चलो, इसको मैं मिटाने जा रहा हूं, अब आप लोग हेडिंग लगाएंगे। हेडिंग के लिए आप लोग यहां से हेडिंग लगाएंगे, हाइब्रिड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ इथाइन, हाइब्रिड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ इथाइन। हाइब्रिड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ इथाइन। तो प्यारे बच्चों ये डायग्राम बनेंगी यहां पर जो मैं आपको बोर्ड पे दिखाऊंगा अभी बनाकर, तो ये इथाइन का स्ट्रक्चर है, तो ये हम बोर्ड पे चल रहे थे। ओके बस यहीं पे हमारा टॉपिक वाइंड अप होगा, वहां पर टाइम कम है क्योंकि अजान होने वाली है, अजान होने से पहले ये मुकम्मल कर रहा है। हेडिंग लगाए हाइब्रिड ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ इथाइन, हाइब्रिड ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ इथाइन। हाइब्रिड ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ इथाइन, लेकिन ये हम व्हाट्स एप बोर्ड पर तो मुझे चाहिए आपकी, इस तरह होगी एसपी हाइब्रिडाइजेशन। सबसे पहले हम एस ऑर्बिटल बनाएंगे कार्बन का, 2s ऑर्बिटल, और एक ऑर्बिटल बनाएंगे 2px। ये दो ऑर्बिटल आपस में मिक्स होंगे, लेकिन दो ऑर्बिटल आपस में मिक्स नहीं होंगे, कौन कौन से? py और 2pz, ये आपस में मिक्स नहीं होते। अब ये होगी जनाब मिक्सिंग, मिक्सिंग को कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन। मिक्सिंग के बाद ये जब दोनों ऑर्बिटल मिक्स होंगे 2s और 2px, तो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा जिसकी शक्ल वही होगी जो sp3 या sp2 की थी। कैसी होगी देखो बेटा, दो लोब्स होंगे इसके, एक बड़ा लोब होगा एक छोटा लोब होगा। जो बड़ा लोब होगा उस पर प्लस मार्क लिखेंगे और जो छोटा लोब होगा उस पर माइनस लिखेंगे। अरे बच्चों ये एसपी हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा जिनकी तादाद दो होगी, हर एसपी हाइब्रिड ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन होगा बड़े वाले लोब में। और ये दो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल इस हाइब्रिड ऑर्बिटल के ऊपर परपेंडिकुलर भी होंगे। अब इसके बाद जनाब वाला ये दो एसपी हाइब्रिड ऑर्बिटल थ्री डायमेंशन में अरेंज होंगे, और दो ऑर्बिटल जो है थ्री डायमेंशन में अरेंज होते हैं डायगोनली यानी लीनियरली। देखेंगे एसपी हाइब्रिड ऑर्बिटल है, इसको आप शेड कर देते हैं बच्चों कि दोनों अरेंज होंगे डायगोनली। बच्चों जब हम इनको थ्री डायमेंशन में अरेंज करते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को,
तो जो छोटा वाला लोब होता है वो हम उम्मीद कर देते हैं आसानी के लिए। बच्चों ये ऑर्बिटल जो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स है ये इन ऑर्बिटल्स के ऊपर परपेंडिकुलरली होते हैं। ये देखिए ये 2PY है और ये 2PZ है। ये बच्चों sp ऑर्बिटल है, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ये भी sp है। इसमें बच्चों एक इलेक्ट्रॉन है, इसमें बच्चों एक इलेक्ट्रॉन है, इसमें बच्चों एक इलेक्ट्रॉन है और इसमें भी बच्चों एक इलेक्ट्रॉन है। टोटल चार इलेक्ट्रॉन हमने शो करने हैं। एक दो तीन चार कार्बन के पास चार हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स है, चार अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, चार बॉन्ड ये बना सकता है, लेकिन ऐसे हमारे पास दो कार्बन है। तो हर कार्बन का जो एक एसपी है वो दूसरे कार्बन के एसपी से लीनियर ओवरलैपिंग करेगा और एक एसपी बचेगा जो हाइड्रोजन के 1s से ओवरलैप होगा, जो मैं आपको आगे दिखाता हूं। पहले आप यहां तक इसको कॉपी करें और कोई क्वेश्चन अगर आपको समझ में ना आए तो 5 नंबर का सवाल ये नॉर्मली आता है, इस साल 9 नंबर का सवाल है। ये स्टूडेंट्स आर यू गेटिंग द पॉइंट्स। सर 9 नंबर का है जी बेटा, स्ट्रक्चर ही क्या सर नंबर है मेरे बेटा मारिया, इसका मतलब क्या हुआ? इसलिए मारिया अच्छे से समझ में आ रहे हैं क्योंकि आप बातें नहीं कर रही, लाइव क्लास में आप बातें करती हैं। स्ट्रक्चर लाजमी बनाने हैं। अनुषा तो बातें करती ही नहीं है, अनुषा तो बिल्कुल खामोश रहती है क्लास में, इनकी तो कभी आवाज भी नहीं सुनी किसी ने। अब मैंने इतना झूठ बोला है अनुषा तो कल मुझको फिर चिकन सैंडविच खिलाना झूठ बोलने पे। और अब बच्चों ये एसपी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप करेंगे, क्या होगी डायग्राम मैं बनाने जा रहा हूं। अब मैं मिटा रहा हूं इसको और इसके बाद इसको बना रहा हूं। चलो बेटा सबसे पहले sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे दो, ये दो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गए एक कार्बन। अब दूसरा कार्बन का sp हाइब्रिड ऑर्बिटल इसके साथ ओवरलैप होगा, ये दूसरा कार्बन का हर कार्बन का एक एसपी हाइब्रिड ऑर्बिटल दूसरे कार्बन के एसपी हाइब्रिड ऑर्बिटल से लीनियर ओवरलैपिंग कर रहा है और इस तरह कार्बन टू कार्बन सिग्मा बॉन्ड कर रहा है। ये जो ओवरलैपिंग है एसपी एसपी ओवरलैपिंग हो रही है, लीनियर ओवरलैपिंग हो रही है और लीनियर ओवरलैपिंग से हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनता है। इस तरह कार्बन टू कार्बन सिग्मा बॉन्ड बन गया। लेकिन बच्चों एक एसपी हाइब्रिड ऑर्बिटल हर कार्बन का अभी तक अनइन्वॉल्व है ओवरलैपिंग में, तो ये ओवरलैप करेगा हाइड्रोजन के साथ। इथाइन के दो हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन एक तरफ ओवरलैप होगा, दूसरा हाइड्रोजन दूसरी तरफ ओवरलैप। बच्चों हाइड्रोजन लाल कलर से आपको दिखा रहा हूं, उसे देखिए ये हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल,
और ये दूसरे हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल जो कि sp ऑर्बिटल से लीनियर होगा, लेट निकल आ रहा है, इसको हम शेड करेंगे। और इस तरह बच्चों सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा, तीन सिग्मा बॉन्ड हो गए, एक कार्बन टू कार्बन और दो कार्बन टू हाइड्रोजन, ये ओवरलैपिंग हो रही है एस और एसपी के दरमियान लीनियर होने में। और इस तरह प्यारे बच्चों बिल्कुल क्लियर लीनियर शक्ल जो है वो इथाइन भी हमें नजर आ रही है, लेकिन अभी अनहाइब्रिड ऑर्बिटल भी मौजूद है, देखिए वो मैं आपको हरे रंग से दिखा रहा हूं, अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स ये लैटरल ओवरलैपिंग करेंगे। और ये लैटरल ओवरलैपिंग आपको रेड कलर से दिखा रहा हूं, ये है बच्चों पीवाई, ये है बच्चों पीवाई, ये पीवाई पीवाई ओवरलैपिंग हो गई लैटरल, ये लैटरल ओवरलैपिंग हो गई पीवाई पीवाई लैटरल ओवरलैपिंग, इसके नतीजे में बन गया पाई बॉन्ड। और ये दूसरा पाई बॉन्ड बनेगा जब पीजेड पीजेड की ओवरलैपिंग होगी, इस तरह दो पाई बॉन्ड बन गए। अब हम इस डायग्राम को सिंपलीफाई करके दिखाएंगे, देखिए जरा गौर से, ये कार्बन है, ये हाइड्रोजन है, ये सिग्मा बॉन्ड बन गया, और यहां पर एक ही ऑर्बिटल बन गया सिग्मा बॉन्ड कार्बन टू कार्बन, ये कार्बन टू हाइड्रोजन। अब हम दिखाएंगे पाई बॉन्ड हरे रंग से, तो आप ये देखिए बच्चों दो दो पाई बॉन्ड बनेंगे, तो एक पाई बॉन्ड के दो हिस्से होते हैं, ये आप देखिए बड़ी खूबसूरत डायग्राम बनेगी। और ये देखिए दो हिस्से पाई बॉन्ड के बन गए, ये सिग्मा बॉन्ड है और ये बच्चों पाई बॉन्ड है, और ये आपका बन गया एग्जाम्पल कर्व सैंडविच डबल स्लाइस चिकन सैंडविच की एग्जाम्पल बन गई है ये, बिल्कुल पाई बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, ये ट्रिपल बॉन्ड है बच्चों इथाइन में। तो दिस इज द ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर ऑफ इथाइन। देखा आपने बच्चों कुछ समझ में आया, तो इथाइन की शक्ल लीनियर होती है, पाई बॉन्ड जो होते हैं उनके ऊपर शेप डिपेंड नहीं करती, शेप का ताल्लुक सिर्फ सिग्मा बॉन्ड से होता है। स्टूडेंट्स एनी क्वेश्चन प्लीज आस्क। तो बच्चों यहां पर हमारी sp हाइब्रिडाइजेशन खत्म हो गई, मैं आपको डायग्राम शेयर कर रहा हूं, डायग्राम शेयर कराता हूं, देखिए जरा गौर से और बताएं ज्यादा अच्छी डायग्राम कौन सी है, ये वाली है या जो मैंने बनाई है बोर्ड पे वो वाली है। बताइए कौन सी ज्यादा अच्छी लग रही है, ये वाली भी बनाई है मैंने देखी, कौन सी ज्यादा अच्छी लग रही है, ज्यादा क्लियर कौन सी है जिससे समझ ज्यादा अच्छी आ रही हो। सो स्टूडेंट्स कल मेरी क्लास है आप लोगों की फर्स्ट ईयर में, तो कल जो टॉपिक रह गए हैं वो मैं आपको कराऊंगा, कल मेरा इरादा है आपको चैप्टर 8 कराने का, तो आप सब लोग अपने नोट्स वगैरह लेकर आए।
हाँ अरहम वेस्पर रह गया आपका, वेस्पर की एग्जाम्पल दे गई है अरहम कराऊंगा कल, और वो एग्जाम्पल करा के फिर मैं आपको कराऊंगा इंशाल्लाह। जी सिद्रा हेवन में भी है गिलास, और बच्चों आपके टेस्ट का अनाउंसमेंट किया जा रहा है, आपका टेस्ट लैंड टेस्ट वन आप जुमेरात को होगा, थर्सडे को होगा, सब लोगों को बता दें, उनके कहने के मुताबिक थर्सडे को कर दिया है हम, बाकी सब लोग भी बता दें ठीक है डेट थर्सडे, ठीक है। अब बेहतरीन तैयारी करके दीजिएगा पेपर, क्यों सर्वर सिर्फ चार चैप्टर बेटा फातिमा, शुरू के चार चैप्टर, बस ठीक है। तो फिर जो शाहरुख कह रहे हैं वो होगा, तो शाहरुख कह रहे हैं फिर होगा वो होगा भाई, या कल आके डिसाइड कर लूंगा मैं। वो भी करा देंगे आपको, क्यों परेशान हो रहे हैं। दो ही टॉपिक है उसमें, ठीक है स्टूडेंट्स। तो फिर यहीं पे क्लास वाइंड अप कर रहे हैं, इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपने अपने घर वालों और अपने मिलने जुलने वालों का ख्याल रखिएगा। मैंने कार्बन कार्बन के बीच सिग्मा बॉन्ड बनाया सिद्रा, ओके। तो बच्चों आप इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।